हेलो दोस्तों स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राम नीट क्लासेज में खुज अभ्यास कक्षा दसवीं का इंग्लिश विषय का हम देखेंगे वीक है इकतीस पाँच दो दो हजार बाईस आज की डेट है खुज अभ्यास शुरू करते हैं यहां पर कुल बारह प्रश्न हैं बारह प्रश्नों के सही उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक वाई डेट लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइंस एंसर हो जाएगा बिकॉज दे वर प्रोमिजिंग हिम अ गुड हावस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी क्वेश्चन नंबर दो है ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रीप राइपकॉन विथ इट्स फ्लॉवर्स ड्रेप्ड इन अटन ऑफ रेन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रेप्ड एंसर हो जाएगा कवर्ड

एंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर बिकॉज ही बिलीव दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज़ स्टोलन सम ऑफ इिस मनी नेक्स्ट क्वेश्चन है इज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड लेज नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल अप ब्रेडिंग हिम एंड ट्रिटिंग चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अपब्रेड एंसर होगा क्रिटिसाइज ऑप्शन नंबर थ्री Next question, he felt a bit dizzy because he had not eaten since the previous nightfall. What do you mean by the word dizzy? Dizzy ka hoga, Light headed. Option number two. Next, what made the young seagull to move outwards into the space? And surah, his hunger made him fly. Next, what did the seagull's parents threaten him and cajole him to fly? And surah, option number four.

सिस्टम डोमिनेशन ऑफ रेसिकल अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ़ देयर ऑन लैंड नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस आर इन मैं लाइफ अकॉर्डिंग टू नैंसल मंडेला एनसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री ऑब्लीगेशन टू हिस्स कम्युनिटी पीपल एंड कंट्री एंड ऑब्लिगेशन टू हिस्स पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई बारह क्वेश्चन आपने देखे क्लास टेन इंग्लिश के वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में